आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। जिले के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल जिला अस्पताल में आज सोनोग्राफी के लिए भटक रही महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने बताया कि पिछले एक महीने से क्षेत्र की गर्भवती महिला तथा प्रसव कराने वाली मितानिनों के साथ सोनोग्राफी कराने भटक रही हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जिला अस्पताल में घंटों इंतजार कराया जाता है और उसके बाद डॉक्टर नहीं है करके वापस भेज दिया जाता है, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने जिला अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का विरोध करने में भी जमकर नारेबाजी भी किए। इस बीच सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाइश दिया, जिसके बाद धरना कर रहे महिलाएं शांत हुई। मल्डी गोड़ थामी से सोनोग्राफी करवा आए हैं, बोला तीन बार हो गए आते और डॉक्टर में जाते हैं तो बोलता है डॉक्टर का गई थे नहीं आ रहा है, हम मांग कर रहे हैं मैडम का तो मैडम भी नहीं आ रहा कहता है, तो फिर क्या के लिए सरकार तुम लोग खोला है हॉस्पिटल, हम मजदूर आदमी तो तुमको सरकार बनाया है तो फिर हमारे पीछे में आगे बढ़ रहा है, तो हमको भी तुम देखो ना, इतना परेशानी हमको 8 महीना 9 महीना का दिन चल रहा है, आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है, तो हमारा बच्चा भी आने जाने में गाड़ी मोटर में धक्का धक्की में हर परेशान हो रहा है, हम भी हो रहा है, बिना खाना खाए 7 बजे कर आए, यहाँ 10 बज रहे हैं, तो कुछ हमारा तुम इलाज पानी कर रहा है तो ढंग से करो, नहीं करो तो फिर पूरा सरकारी हॉस्पिटल बंद करो, प्राइवेट में काम करो, पैसा का लालची है तो फिर पैसे देखो, किसी के जान मत देखो। हम सोनोग्राफी के लिए आ रहे हैं, हम तीन बार हो गया लौट के जाते, आज भी सोनोग्राफी नहीं होते, हर गांव से मरीज लौट के जाते, सोनोग्राफी नहीं होते, देखा से थी अस्पताल बंद किया जाए, आज के बाद हड़ताल, ना हॉस्पिटल खुले ना सोनोग्राफी होगा ना कुछ चेक नहीं होते भैया, देखा से थी डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल भी बंद कर दे, सरकार है बंद करवा दे। मोर नाम सुनीता मितानी है, मैं बाहरपुर से हूँ और मैं तीन बार से 6 मरीज लेके आए हैं, तीनों बार से सोनोग्राफी नहीं हुए, हर बार मोर मरीज लौट के जाते हैं। अधिकारी मुझसे बात करो, का कहना डॉक्टर से मन डॉक्टर है, मैं का करें हम ही का करें के बोलते सर, डॉक्टर मन बोला थे कि हम का करें, डॉक्टर मन नहीं आते, आपी मन बतावा के बोलते। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CP आगरे का कुछ और कहना है। उनकी माने तो सोनोग्राफी के लिए किसी भी मरीज को नहीं भटकना पड़ रहा है और नियमित रूप से सोनोग्राफी सुविधा मरीजों को प्रदान की जा रही है। हालांकि उनका ये मानना है कि कभी सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ पाते तो थोड़ी असुविधा होती है और इस विषय में उच्च अधिकारियों को अवगत करा कर व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी करने के लिए बाहर से चिकित्सक आते हैं, वो भी स्वेच्छा से आते हैं, इस प्रकार उनको मानदेय नहीं दिया जाता। आज किसी कारणवश आज जिन डॉक्टर की बारी थी वो आज नहीं आए, आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए आज सोनोग्राफी नहीं हो रही। संस्थागत प्रसव के लिए जोर दिया जाता है, लेकिन जिला अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में इस तरह की सुविधाएं नहीं है, कितनी बड़ी चूक है। रेडियोलॉजिस्ट का यहाँ पोस्टिंग ही नहीं है तो अपन सोनोग्राफी कलमा नहीं कर सकते, सब बुहारी के डॉक्टरों से कराना पड़ता है, वो भी स्वेच्छा से। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, अभी कोई व्यवस्था नहीं। RNN न्यूज़ के लिए नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।